और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की एक और सनसनीखेज साजिश की जानकारी सामने आई है। एलओसी के पास नए लॉन्च और टेरर कैंप तैयार किए गए हैं। पहले के मुकाबले सीमा के ज्यादा करीब बनाए गए हैं ये नए लॉन्च पैड। आईएसआई की देखरेख में यहां प्रशिक्षित आतंकियों को रखा गया है। अफगानिस्तान से आतंकी पेशावर, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद लाए गए हैं। और चलिए अब समझते हैं पाकिस्तान में बने इस पूरे लॉन्च पैड की डिटेल को समझ लेना बहुत जरूरी है, कैसे एक बार फिर से बड़ी आतंकी साजिश को रचा जा रहा है। तो टेरर लॉन्च पैड एलओसी पर एक बार फिर से एक्टिव है। आईएसआई की देखरेख में नए लॉन्च पैड्स को तैयार किया गया है। तो ये देखिए, ये है पाकिस्तान की सच्चाई। सीमा के बिल्कुल पास इन लॉन्च पैड्स को बनाया गया है। आईएसआई की देखरेख में यहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हमले की ट्रेनिंग पाकर जो आतंकी हैं जो यहां पर मौजूद हैं, उन्हें बकायदा पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। लॉन्च पैड से आने की ट्रेनिंग दी गई है और उसके बाद फिर यहां से आगे इन्हें भेजा जाता है, इन्हें जो टास्क दिया जाता है। अफगानिस्तान से भी आतंकियों की यहां पर शिफ्टिंग की जा रही है इन लॉन्च पैड्स में। तो जो पूरी आतंकी साजिश है इसका यह खुलासा हो रहा है। पेशावर, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद लाए गए आतंकी। तो ये तमाम वो जगह है, तमाम वो लॉन्च पैड से जहां पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को आगे भेजने के लिए स्टैंड बाय मोड पर रख दिया जाता है। पीओके में टेरर कैंप के तीन क्लस्टर सामने आए हैं। यहां देखिए, पहला कहां पर है? मनशेरा में, जो पता चला है, जिसका खुलासा। दूसरा कहां पर है? मुजफ्फराबाद में। और तीसरा जो क्लस्टर है वो कहां पर है? वो है कोटली में। तो ये पीओके में टेरर की जो साजिश है वो कैसे रची जा रही है। चार आतंकी संगठन इसमें शामिल है, इस पूरी आतंकी साजिश में। पहला बड़ा नाम है लश्कर का, दूसरा बड़ा नाम किसका है? वो है जैश का, अगला बड़ा नाम है, और साथ ही साथ अल बदर का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है, और चौथा जो बड़ा नाम है वो है हरकतुल मुजाहिदीन का। तो ये वो आतंकी नेटवर्क है, ये वो संगठन है जो इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर जो लॉन्च पैड, जो जगह हमने आपको बताया, वहां पर शिफ्ट किया जाता है और फिर इन्हें जो डेडली टास्क है वो सौंपा जाता है।